चमक नहीं जाती, कुछ यादों की खनक नहीं जाती। कुछ लोगों से होता है ऐसा रिश्ता कि दूर रहकर भी उनकी महक नहीं जाती, कि दूर रहकर भी उनकी महक नहीं जाती। आज 120 साल बाद स्वातंत्र्योत्तर भारत के पांचवें यशस्वी प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के, जो निर्विवाद किसान नेता रहे, क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया, जिनके नाम पर यह महाविद्यालय उत्तरोत्तर नित निरंतर ऊंचाइयों को प्राप्त हो रहा है, इस महाविद्यालय के दिव्य प्रेक्षागृह में मैं यहां पर पधारे अतिथियों का भूरी भूरी अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। मित्रों, जैसे कोई बाग बिना बागवान के अर्थहीन होता है, जैसे कोई शरीर बिना आत्मा के प्राणहीन होता है, उसी प्रकार कोई कार्यक्रम बिना गुणीजनों और महान व्यक्तियों के प्रेरणादायी सानिध्य के बिना निष्प्राण हो जाता है। मैं अत्यंत प्रफुल्लता से बताना चाहता हूं कि हमारे मध्य धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के यशस्वी सुपुत्र, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संप्रति नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी विद्यमान है, विराजमान है, साथ में उनके जीवन संगनी और हमारी लोकप्रिय सांसद माननीय श्रीमती दिलपत यादव जी। हम महाविद्यालय के परिवार के समस्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी आप लोगों का बहुत हृदय से सहृदय स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान जसवंत नगर विधानसभा के यशस्वी विधायक और इस महाविद्यालय का संरक्षकत्व, जिनके संरक्षकत्व में महाविद्यालय चल रहा है, माननीय अध्यक्ष प्रबंध समिति श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आप सभी की उपस्थिति इस प्रांगण को प्रभाषमयी कर रही है। हम गौरवान्वित हैं कि आप सभी यहां पर आए हैं। मंच पर बैठे हुए श्री प्रदीप यादव जी माननीय विधायक दिव्यापुर, श्री राम सिंह शाक्य जी माननीय पूर्व सांसद जी, श्री राम नरेश यादव जी पूर्व MLC, श्रीमती सुखदेवी वर्मा जी माननीय पूर्व विधायक, श्री कुमदेश यादव जी माननीय राम सिंह शाक्य जी किसान नेता हमारे बीच जो प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं किसानों का, साथ में गोपाल यादव जी, कार्तिकेय जी माननीय विधायक, मुकुल यादव जी, श्री मुकुल यादव जी, श्री प्रेमदास कठेरिया जी माननीय पूर्व सांसद, श्रीमती सुखदेवी वर्मा जी पूर्व विधायक हमारे मध्य, और उनके साथ अन्य महानुभाव उपस्थित हैं। मैं बहुत हृदय से उनका स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, किसके आने की खबर लेकर हवाएं आई, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, सांसों में महक जाग उठी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा महाविद्यालय, जहां पर कला संकाय, विज्ञान संकाय, विधि संकाय के साथ में BBA, BCA, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे व्यावसायिक विषय भी पढ़ाए जाते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं, मैं आप यहाँ पर आई हुई हमारी जनता से मैं निवेदन करूँगा कि आगामी वर्षों में हमारे महाविद्यालय से जिस तरीके से बहुत सारे छात्र यहाँ से पास आउट होकर अन्य सेवाओं में हैं, राजनेता हैं, सिविल सर्विसेज में, SSC बैंक, रेलवेज में है, मैं आपसे चाहूंगा कि अपने पालकों को, अपने पाल्यों को यहाँ पर भेजें और यहाँ पर एडमिशन दिलाकर उनको हम औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दिलाकर बहुत जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये हुनर, ये रहनुमाई, ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। धन्यवाद शैलेंद्र जी।